मुझे ये पुस्तक के लिखने की प्रेरणा मिली, लेकिन मैं आज आपके सामने बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, इसकी प्रेरणा स्रोत जो है दो हस्तियाँ हैं, एक तो श्रद्धेय डॉक्टर भूदेव शर्मा जी, और इन्होंने अमेरिका में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की स्थापना के लिए और हम जैसे साधारण व्यक्ति को वहाँ बुलाया, और पहले ही इन्होंने हमको इस लिस्ट बनवाई मेरे पास हाथ में रखी, इन इन विषयों पर आपको काम करना। उसमें एक विषय ये भी था कि वैदिक ऋषियों का चिंतन, तभी मैंने सोच लिया था पुस्तक का नाम रख दिया वैदिक चिंतन की था। और दूसरी हस्ती है इसमें प्रेरणादायक हमारी आदरणीय शशि जी है। जब तक ये सम्मेलन के लिए और सेमिनार के लिए कुछ लिख नहीं देते हैं तब तक इनका फोन बंद नहीं होता, आप ये लिखे ये करिए। तो सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूँ दोनों को, और इसमें के विषय में अब भाषण की तो कोई जरूरत नहीं है, अगर इसके विषय में हम बोल देंगे तो पढ़ेगा कौन सा। तो ये दूसरा ये है, ये जो भारतीय कलाओं वाला परिप्रेक्ष्य है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कला का नाम, कला का जो है यानी कि अर्थ आर्थ नहीं, कल काम दुखे जो पद्धति और जो जीवन की यानी कि एक प्रकार के जीने की यानी कला, वो हमारी कामनाओं को दुख दे उसका नाम कला। और सबसे बड़ी कला विश्व में जीवन की, और बाकी सारी आर्ट सारी फिलॉसफी वो सब जीवन से जुड़ी, और जीवन से जुड़ी रहने वाली किसी एक जीवन नहीं, व्यक्ति ही नहीं, समस्त समाज सारे विश्व के कामनाओं को धोने वाली अगर कोई कला है तो ये वैदिक कला है, वैदिक सिद्धांत, वैदिक दर्शन, वैदिक शिक्षा। और वो बाकी सब मैंने उसी क्रम से इसमें सब देने की कोशिश की है, और बाकी सब पढ़ने से मालूम होगा। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज विश्व के अंदर कला नाम की वस्तु जीवित है, जीवन जीने की कला, मानवता जिंदा है। आज जितने भी विश्व में सदाशयता सहृदयता जिंदा है वो वैदिक ऋषियों की वजह से और वेद की वजह से जिंदा है। सारी चीजें जहाँ भी हैं इंसान के लिए जीने की कला वो यहाँ से गई और वेद से, इसलिए कहते हैं वेदांत धर्मो भी, एकमात्र धर्म का आविर्भाव हुआ है तो वेदों से। ऐसे उन ऋषियों को प्रणाम, उनके चिंतन को प्रणाम, अधिक भाषण न देकर कोई अवसर मिलेगा तो बताएंगे, और आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि मेरा परिश्रम सफल हो गया है। इसमें कोई कमी दिखाई दे कोई, आप इसमें यहाँ आदरणीय ललन साहब जी बैठे हैं, आप जैसे विद्वान बैठे हैं, तो इसके बाद अगर कोई सुझाव देना हो, मुझे कोई निर्देशन देना हो, तो मैं उसका स्वागत करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।